पता, हिंदी को मुंबई की आम भाषा बताने पर हुआ बवाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भाषा को लेकर आए एपिसोड की वजह से बवाल मच गया है। महाराष्ट्र नौ निर्माण सेना शो की टीम से काफ़ी नाराज़ हो गई है। प्रोड्यूसर अमय कोपर ने शो के मेकर्स से माफ़ी की मांग की, जिसके बाद अब शो के मेकर असित मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर सफाई दी है। बता दें कि शो में दिखाया गया था कि हिंदी भाषा मुंबई की मोस्ट कॉमन भाषा है। असित मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मुंबई महाराष्ट्र में है और हमारे महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी ही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं भारतीय हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ और गुजराती भी हूँ। सारी भारतीय भाषाओं का सम्मान करता हूँ। इसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में तारक मेहता शैलेश लोढ़ा कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र का खूबसूरत शहर मुंबई, जहाँ की स्थानीय और आधिकारिक भाषा मराठी है। हमने पिछले एपिसोड में चंपक चाचा के जरिए ये कहा था कि यहाँ की आम भाषा हिंदी है। इसका भावार्थ यही था कि मुंबई ने खुले मन से हर प्रांत के लोगों को और हर भाषा को सम्मान दिया है, प्यार दिया है। फिर भी चंपक चाचा के इस बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। बता दें कि अमय ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा था कि तारक मेहता ये लोग ये बात जानते हैं कि मुंबई की मुख्य भाषा मराठी है, फिर भी ये लोग प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। महाराष्ट्रीय लोग जो भी इस शो का हिस्सा हैं, उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट का सपोर्ट करने के लिए शर्म आनी चाहिए। वहीं MNS की जनरल सेक्रेटरी शालिनी ठाकरे ने भी इसकी आलोचना की थी, साथ ही शो के मेकर्स को चेतावनी भी दी थी।